यूक्रेन पर रूस के हमले का आज नौवां दिन। 2,870 यूक्रेनी फौजियों को हलाक करने का रूस ने किया दावा। 400 से ज्यादा रशियन आर्मी की हलाकत का भी किया एतराफ। यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने की बमबारी। प्लांट में भड़क उठी थी आग। यूक्रेन ने कहा, अगर प्लांट में होता बड़ा धमाका तो होती बड़ी तबाही। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने पुतिन के साथ डायरेक्ट बातचीत का किया मुतालबा। कहा, मुझे रूसी सदर से सीधे बातचीत करनी है क्योंकि ये जंग को रोकने का है वाहिद रास्ता। UNHRC के हंगामे इजलास में हिंदुस्तान ने फिर रूस और यूक्रेन पर बातचीत के लिए दिया जोर। रूस के तय हिंदुस्तान के मौकफ को मिला फ्रांस का साथ। कहा, पूरी दुनिया सुनती है हिंदुस्तान की आवाज। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को हिंदुस्तान ने एडवाइजरी जारी करते हुए अपने साथ सफेद कपड़ा या सफेद परचम रखने की दी सलाह। ज्यादा खाने से परहेज करने, बर्फ से पानी बनाने, इमरजेंसी किट साथ रखने की दी हिदायत। यूक्रेन के खार्किव में अब भी फंसे हुए हैं सैकड़ों हिंदुस्तानी तलबा। कर रहे हैं मदद की दरख्वास्त। दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान जारी फायरिंग में एक और हिंदुस्तानी स्टूडेंट को गोली लगने की खबर। अस्पताल में इलाज जारी।